मऊ जिले के थाना कोतवाली के अंतर्गत भीटी क्षेत्र में पांडे कटरा में बीते 24 घंटे पहले बीजेपी नेता के भतीजे अजय दुबे को दो हमलावरों ने दिन दहाड़े एक दुकान में घुसकर गोली मार दी थी, जिसका लाइव सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। आरोपी हमलावर के पहचान मुख्तार गैंग के सदस्य पंकज सिंह के तौर पर हुई, जिसकी तस्दीक घायल अजय दुबे ने भी किया था। वहीं अजय को अच्छे इलाज के लिए बनारस के ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया था, जहां पर अभी घायल का इलाज चल रहा है। 24 घंटे पहले कोतवाली क्षेत्र के भीटी में हुए इस शूटआउट को लेकर पुलिस काफी सतर्क रही और कल पुलिस ने आरोपी पंकज सिंह के घर पर जाकर उसके परिवार वालों से जल्द हाजिर करने की बात कही थी। नहीं होने पर सख्ती से निपटने की चेतावनी दी जाने के बाद आरोपी और उसके घर वालों की नींद उड़ गई, जिसमें कि बुलडोजर के भय से 24 घंटे के अंदर ही आरोपी ने थाने में आत्मसमर्पण करने का प्लान बना लिया और इसकी सूचना मीडिया को भी लग गई। वहीं पुलिस ने भी कोतवाली में घुसने से पहले ही आरोपी को पकड़ने की योजना बनाई। सादे वर्दी में एसओजी और स्वाट की टीम रोड पर लगा दी गई। आरोपी जब रेलवे लाइन क्रॉस करके कोतवाली के नजदीक पहुंचा, तभी सादे वर्दी में तैनात पुलिस वालों ने उसे घेर कर उतार कर गिरफ्तार कर लिया और उसे कोतवाली के अंदर लेकर चली गई। सर, आज एक वीडियो वायरल हो रहा है गिरफ्तारी का, कल के बदमाश का क्या पूरा मामला है? ये पंकज सिंह सेना फंसनाथ सिंह भीटी, जो कल जिसने फायरिंग की थी अजय दुबे के ऊपर, वही बदमाश था। आज बंदे की तरफ से कल जो मोटरसाइकिल लेके गया था अपने साथी के साथ, टिल्लू के साथ, उसी से आ रहा था, तो बंदे की तरफ से पुलिस ने इसको घेराबंदी की, वहाँ मोटरसाइकिल छोड़ के, और ये सब भागे वहाँ से। बीच में फिर किसी गाड़ी में शायद बैठ गया और फिर आते आते बंदे की तरफ से इधर रेलवे फाटक की तरफ पुलिस ने आगे से घेर के इसको, पुलिस लगी हुई थी, इसको पकड़ लिया। इसका पिस्टल और मैगजीन और कारतूस जिससे कल उसने गोली मारी थी बरामद हो गया। ये अपराधी है, इसके खिलाफ एक दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं और आप लोग भीग गए हैं पहले से भी कि ये मुख्तार से जुड़े हुए, इसका पूरा परिवार है, ये भी जुड़ा हुआ है। शूटर है उनका? शूटर तो नहीं कह सकते, लेकिन उन ये परिवार कहीं ना कहीं से उनके आपराधिक कृत्यों में, आपराधिक गतिविधियों में सहयोग करते ही हैं। सर, भाजपा नेता के भतीजे को गोली मारी थी, जो गोली लगी थी वो कौन था? हाँ जी, वो उनके भतीजे हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष जी थे, उन्हीं का भतीजा है अजय दुबे। अब पुलिस जो एक शेष बचा है उसकी गिरफ्तारी करेगी, बाकी विवेचनात्मक कार्रवाई करके इनके खिलाफ आरोप पत्र करके इसको न्यायालय भेजेगी।